नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि हमारी हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि यह स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन इन कही कहाई बातों पर विश्वास ना करते हुए हम खुद इसकी जांच करने वाले हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक हड्डी की। हालांकि मेरे पास इसकी कमी नहीं है, बट है तो 206 ही, इसलिए हम समझने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हड्डी की मजबूती का जो मेन रीजन है वो है इसकी संरचना, और इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसी लगातार क्रियाएं भी होती हैं जो इसे हमेशा नया और मजबूत बनाती हैं। आज हम इसके इसी संरचना और क्रियाओं को समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो देख लेना अपने हिसाब से, जो भी लाइक कमेंट हो सके। तो चलिए पहले इसके बाहरी संरचना को समझ लेते हैं, उसके बाद आंतरिक संरचना को समझेंगे। दोस्तों, हड्डी जो है दो प्रकार के ऊतकों से बनी होती है, कार्टिकल और ट्रैबेकुलर। इसके बाहरी परत को कार्टिकल या कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है, जो कि घनी और ठोस होती है। यह हमारी हड्डियों को उसकी ताकत और दबाव झेलने की क्षमता देती है। चलिए अब इसके अंदर की संरचना को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये येलो बोन मैरो है जो हड्डी के बीचों बीच होता है। यह वसा को स्टोर करता है और हड्डियों को कार्य करने के लिए आवश्यक पोषण भी प्रदान करता है। ये ब्लड वेसल्स हैं जो हड्डियों को ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की सप्लाई करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही ब्लड वेसल्स हैं जो यहाँ हड्डी से बाहर निकले हुए हैं। अगर हम इसके बाहरी परत को अंदर से देखें तो यह कठोर हड्डी के ऊतकों के सिलेंडरों से बना होता है, जो हड्डी को और भी मजबूती देता है। इन सिलेंडरों के बीच में लाल वाहिकाएँ भी होती हैं। अगर हम हड्डी के बीच में देखें तो यह ट्रैबेकुलर या स्पंजी बोन देखने को मिलती है। इस हड्डी में छत्ते जैसी संरचना होती है जो हड्डी को और भी ज़्यादा मजबूत और हल्का बनाती है। हड्डी की यह संरचना झटके को अवशोषित करने और इस पर लगने वाले बल को विपरीत करने में मदद करता है। स्पंजी बोन के अंदर ही इसके खाली भाग में रेड बोन मैरो भी होता है, जो कि सभी प्रकार के ब्लड सेल्स जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स को भी बनाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर सेकेंड 2 मिलियन की दर से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ये सब तो इसकी संरचना के कारण इसकी मजबूती हो गई। अब एक और प्रक्रिया है जो इसे और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। जैसा कि हड्डी एक जीवित ऊतक होती है जो खुद को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार टूटती और बनती रहती है, इस क्रिया को रिमॉडलिंग कहा जाता है। यह विशेष अस्थि कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह ऑस्टियोक्लास्ट है जो पुरानी हड्डियों को तोड़ता है, और यह ऑस्टियोब्लास्ट है जो नई हड्डी को बनाते हैं। अब अगर हड्डी की संरचना और इसकी रिमॉडलिंग प्रक्रिया को मिला दें तो वास्तव में हमारी हड्डी स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन सबकी हड्डी एक जितनी ही मजबूत हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि हड्डी की मजबूती उसके घनत्व के आधार पर होता है, जो खनिज पदार्थों पर निर्भर करती है। हड्डी के घनत्व को बढ़ाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार लें, और डेली चलने, दौड़ने और वजन उठाने वाला एक्सरसाइज जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।